अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शाही चिकन कोरमे की बहुत ही लजीज रेसिपी। अगर आप भी शादियों जैसा जायकेदार परफेक्ट कोरमा बनाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। अपना शाही कोरमा बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने 1 किलो चिकन ले लिया है और अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। और इसमें मैरिनेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए आपको दिखाते हैं। 2 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे, 2 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच लहसुन पेस्ट डाल देंगे, 1 चम्मच ये अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिला दिया है और अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमने 200 ग्राम तेल ले लिया है और हमारा तेल गर्म हो चुका है। हम इसमें ये तेज पत्ते डाल देंगे और ये काली मिर्चें हैं 8-10, ये डालेंगे। एक छोटी दालचीनी का टुकड़ा है, ये डाल देंगे। ये लौंग डालेंगे, 4 से 5 लौंग हैं। 2 हमने छोटी इलायची ली है, ये भी इसमें डाल देंगे। और ये हमारी प्याज है कसी हुई, ये भी डालेंगे। हमने 1 बड़ी प्याज कस के डाल दी है, ये देखिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है कसी हुई प्याज से। इसको हमें ज़्यादा तलना नहीं है क्योंकि हमने अलग से प्याज और तल के रखी हैं जो हम शाही कोरमे में डालेंगे। कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे क्योंकि ये प्याज में ज़्यादा तलनी नहीं है। ये देखिए, हमने सूखे मसाले ले लिए हैं। इसमें 1 चम्मच काली मिर्च ली है, 1 चम्मच खसखस ली है, 1 चम्मच सौंफ ली है, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 8 से 10 छोटी इलायची ली है, 2 बड़ी इलायची ली है और ये हमारे कुछ काजू हैं, 50 ग्राम के आसपास हैं ये हमने ले लिए हैं। इन सबको हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे, ऐसे ही सूखा भूनेंगे और फिर उनको पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे इन सबका। ये देखिए, हमने मसाले पीस लिए हैं और अब हम इसको दही में मिला देंगे। ये हमने 300 ग्राम के करीब दही ले ली है और इसमें हम ये अपने मसाले मिला देंगे और इसे एक साइड रख देंगे दही को मिलाकर। ये देखिए, हमारी प्याज भुन चुकी हैं और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और हम अब इसमें 1 चम्मच देगी लाल मिर्च डालेंगे जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, ये देखिए। और अब टमाटर डाल देंगे, हमने 3 बड़े टमाटर कद्दूकस कर लिए हैं, ये डाल देंगे। आप इन्हें मिक्सी में भी पीस सकते हैं। और अब हम इनको भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए, इसे हम 5 फ्लेम पे भून रहे हैं। ये टमाटर की ग्रेवी है, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। देगी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम अपना ये चिकन इसमें डाल देंगे जो हमने फ्रिज में उठा के रख दिया था। 1 घंटा हो चुका है इसको। ये देखिए, हमने मीडियम आंच पे गैस कर दिया है और अब हम इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। और एक आध बार बीच में आप चला के भी देख सकते हैं। देखिए, हमारे गोश्त को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपना इसमें दही का मसाला डाल देंगे जो हमने दही में ड्राई मसाला मिलाकर रखा है, वो डालेंगे।
ये देखिए हमने अपनी तीन बड़ी प्याज तल ली हैं। और कोरमे की प्याज अलग तरीके से तली जाती हैं। कोरमे की प्याज तलने की रेसिपी आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं। अब हम आधा कप पानी डालकर मिक्सी में इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए अब हम अपना प्याज का पेस्ट डाल देंगे जो हमने पीसा है मिक्सी में। तली हुई प्याज का पेस्ट है ये, इसको अच्छे से मिला देंगे। ये हमारा 1 से 1.5 चम्मच नारियल बुरादा है, ये देखिए इसे डाल देंगे। और ये हमारे 8 से 10 हमारे बादाम हैं जो हमने कट कर लिए हैं, इन्हें भी डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिला देंगे। देखिए 1 कप पानी डालेंगे इसमें। और थोड़ी सी देर और पकाएंगे, बस 2 से 4 मिनट। ये देखिए हमारा शाही चिकन बनकर तैयार हो चुका है और हमने अब गैस को बंद कर दिया है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। आइए आपको निकाल कर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे कोरमे का कलर और टेक्सचर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल शादियों जैसा। और ये खाने में भी बहुत लजीज है। और आप इसी सेम रेसिपी के साथ बीफ का, मटन का कोरमा भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा लजीज शादियों जैसा कोरमा बनकर तैयार है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी या नान के साथ सर्व करें। आप एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरी रेसिपीज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है।